लेक्चर नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द एक्सप्रेशन फोर्थ टर्म एन 2 + a ऑल पावर 7। विदेह क्या है, हमारे पास है 2 + a ऑल पावर 7 सॉल्यूशन गिवन 2 + a ऑल पावर 7। अगर हम देखें हियर a की जगह हमारे पास है 2, b की जगह हमारे पास है a, और n की जगह हमारे पास है 7, क्योंकि हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम a + b ऑल पावर a। देखिए यहाँ पे a की जगह से लिखता है 2 प्लस अपनी जगह पे, और b की जगह इसने लिखा है a, और n की जगह इसने लिखा है 7। तो हमारे पास है जनरल टर्म, जनरल टर्म फॉर्मूला हमारे पास है t r + 1 कॉम्बिनेशन फ्रॉम n टू r, a पावर n माइनस r, b पावर r। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म फॉर्मूला, t r + 1 = कॉम्बिनेशन फ्रॉम n टू r, a पावर n माइनस r, b पावर r। इसी r प्लस वन को हम कहते हैं दिस इज r + 1 टर्म। अभी हमने क्या फर्ज कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ टर्म। अगर यहाँ पे हम r की जगह 3 लिख के तो 3 + 1 क्या जाएगा, 3 + 1 = 4th टर्म। और हमने क्या फाइंड करना है, 4th टर्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने r की जगह 3 पुट करना होगा ताकि हमारे पास आ जाए 4। तो पुट r = 3, n = 7, a = 2, b = a। ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो आज क्या आ जाएगा हमारे पास, t r + 1 = 3 + 1 = कॉम्बिनेशन फ्रॉम 7 to 3 a 2 n - r 7 - 3, b की जगह लिख के a पावर r, r की जगह लिख के 3। तो क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन फ्रॉम 7 to 3 2 पावर 4 a³। कॉम्बिनेशन फ्रॉम 7 to 3 ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 35। 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16 a³। अब 16 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 560 a³, और इससे हमारे पास आ जाएगा 4। सो 4 टर्म एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी 560 a³। ये हम इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे और इसी फार्मूले को हम कहते हैं जनरल टर्म फार्मूला या r + 1 टर्म फार्मूला। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, फाइंड द 8th टर्म इन x / 2 - 3
डिवाइड बाय वाई ऑल पावर 10। देखिए यहाँ पे हमारे पास है हेयर x डिवाइड बाय 2 माइनस 3 डिवाइड बाय वाई ऑल पावर 10। इसको हम लिख सकते इसी तरह x डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय वाई ऑल पावर 10। हमने इसको इसी वजह से लिखा क्योंकि हमारे पास है a प्लस b ऑल पावर 10। यहाँ पे दोनों के दरमियान प्लस है, इसी वजह से हमने यहाँ पे प्लस लिखा, और ये माइनस हमने लिखा माइनस 3 डिवाइड बाय वाई के साथ रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेयर a की जगह हमारे पास है a की जगह x डिवाइड बाय 2, b की जगह हमारे पास है माइनस 3 डिवाइड बाय वाई, n की जगह हमारे पास है 10। हम डिफाइन करना है एक टर्म नौ जनरल टर्म फॉर्मूला, वो हमारे पास है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन टू आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। अभी हमारे पास ए की वैल्यू है एक्स डिवाइड बाई टू, बी की वैल्यू है माइनस 3 डिवाइड बाई वाई, एन की वैल्यू हमारे पास है 10, आर की वैल्यू हमारे पास अननोन है, आर की वैल्यू हमारे पास अननोन है, हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एट टर्म फाइंड करना है, एट टर्म हमने फाइंड करना है, और इसको हम कहते हैं आर प्लस वन टर्म, आर प्लस वन तो टर्म हम इसको कहते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे आर प्लस वन से हमने एट लाना होगा, सो आर प्लस वन इक्वल टू एट ले रहे, ये वन यहाँ पे ट्रांसफर करें तो हमारे पास आ जाएगा एट माइनस वन, सो वी गेट आर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अगर हम आर की जगह 7 पुट करें तो 7 प्लस वन इज इक्वल टू 8, हमारे पास 8 आ जाएगा। पुट वैल्यूज तो क्या आ जाएगा टी आर की जगह लिख के 7 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन की जगह लिख के 10, आर की जगह लिख के 7, ए की जगह लिख के एक्स डिवाइड बाय 2, एन 10 माइनस 7, बी की जगह लिख के माइनस 3 डिवाइड बाय वाई ऑल पावर आर की जगह लिख के 7। तो क्या आ जाएगा टी 7 प्लस 1 इज 8 कॉम्बिनेशन फ्रॉम 10 टू 7 एक्स डिवाइड बाय 2 ऑल पावर 3 माइनस 3 डिवाइड बाय वाई ऑल पावर 7। तो क्या जाएगा कॉम्बिनेशन फ्रॉम 10 टू 7, इससे हमारे पास आ जाएगा 120। एक्स को 3 दफा मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 2 को भी 3 दफा मल्टीप्लाई करें, या फिर माइनस 3 को 7 दफा डिवाइड बाय वाई पावर 7। तो क्या आ जाएगा इससे हमारे पास आ जाएगा 120 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 2 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8, माइनस 3 को 7 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2178। और चूंकि ये पावर हमारे पास 8 नंबर है, इसी वजह से हमने लिखा माइनस डिवाइड बाय वाई पावर 7। तो क्या आ जाएगा 120 ये माइनस
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर 2187 मल्टीप्लाई बाय 120 तो हमारे पास आ जाएगा 262440 डिवाइड बाय 8x3y^-7। अब इसी को 8 में डिवाइड करें तो आ जाएगा 32805x3y^-7 और ये हमारे पास आ गया 8 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने माइनस छोड़ा तो ये लिखी माइनस 32805x3y^-7 कर लिया गया हमारा आंसर। लिख के शाबाश। पार्ट 3, फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन x² + 1/x^√4। देखिए आपने गिवन x² + 1/x^√4। देखिए आपके यहाँ पे हमारे पास में है a is equal to x² b is equal to 1/x^√ और a की वैल्यू हमारे पास है 4। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें a plus b all power 8, तो a की जगह हमारे पास है x², b की जगह हमारे पास है 1/x^√ n की जगह हमारे पास है 4। नाउ जनरल टर्म फार्मूला हमारे पास है T r + 1, जिसको हम r plus 1 टर्म भी कह सकते हैं। वो हमारे पास है कॉम्बिनेशन फ्रॉम n टू r a पावर m माइनस r n टू b पावर r। अभी हमने टर्म फाइंड करना है, तो अगर r की जगह हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 + 1 = 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3। सो पुट वैल्यू, पुट r = 2, a = x², b = 1/x^√ और n = 4। ठीक है, यहाँ पे हमने r + 1 की जगह हमने लाना है 3। So, r + 1 = 3। So, देखिए यहाँ पे r + 1 की जगह हमने लाना है 3। तो इसी वन को यहाँ पे शिफ्ट करें, सो 3 - 1, सो r = 2। मेन हमने यहाँ पे r की जगह 2 पुट करना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो क्या जाएगा, 2 + 1 = कॉम्बिनेशन n की जगह 4 to 8, n की जगह x² n - r 4 - 2 1/x^√ और यहाँ पे r की जगह 2। तो क्या जाएगा, कॉम्बिनेशन फ्रॉम 4 to 2 ये आ जाएगा 3t = x² ये आ जाएगा 4 - 2 = 2 और ये आ जाएगा 1² / x² √2। तो क्या जाएगा, कॉम्बिनेशन फ्रॉम
4 to 2, x 2 into 2x 4, 1 divided by ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t3 is equal to combination from 4 to 2, t4 और ये 1 by x 2 ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा x power minus 1। अब combination 4 to 2 हमारे पास आ जाएगा 6 और ये base same है, so 4 minus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 6 x क्यूब और ये आ गया हमारे पास इसमें थर्ड टर्म। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 7.2 फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2a ऑल पावर 9। इंडिपेंडेंट ऑफ ए वेरिएबल मींस इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल मींस कांस्टेंट टर्म हम डिफाइन करना है, कांस्टेंट टर्म जिसमें हमारे पास वेरिएबल ना हो, जिसमें हमारे पास वेरिएबल ना हो, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल मींस कांस्टेंट टर्म और मींस x या a पावर 0, क्योंकि a पावर 0 हमारे पास इक्वल टू 1 है, इसी वजह से ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए वेरिएबल मींस वेरिएबल है पावर 0। तो देखिए आप भी 4a² डिवाइड बाय 3 गिवन 4a² डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 2a ऑल पावर 9। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास है हियर a इज इक्वल टू 4a² डिवाइड बाय 3, b इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 2a, a इज इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास है a प्लस b होल पावर n, तो a की जगह इसलिए लिखता है 4a² डिवाइड बाय 3, b की जगह लिखता है माइनस 3 डिवाइड बाय 2a और n की जगह इसलिए लिखता है 9। नाउ जनरल टर्म फार्मूला हमारे पास है TR+1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम n टू r a पावर n माइनस r b पावर r, पुट वैल्यूज आपने a b और n की वैल्यूज पुट कर तो हमारे पास आ जाएगा TR+1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम n की जगह 9, r की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, सो हमने लिखा r, a की जगह हमने लिखा 4a² डिवाइड बाय 3 ऑल पावर n माइनस r 9 माइनस r, b की जगह हमने लिखा माइनस 3 डिवाइड बाय 2a और होल पावर r। अभी हमने इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए आप कॉम्बिनेशन फॉर 9 टू r 4 का अलग x ये पावर ले, सो 9 माइनस r, a स्क्वायर का अलग ले, सो a स्क्वायर होल पावर n माइनस r डिवाइड बाय 3 का अलग पावर लेस और 9 माइनस r, तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस 3 का अलग लेस और माइनस 3 पावर r डिवाइड बाय 2 पावर r और ये आ जाएगा a पावर r। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कॉम्बिनेशन
variations from n to r, 4 power n minus r into minus 3 power r into a power 2 all power 9 minus r. n की जगह 9 है, divide by यहाँ पे 3 power 9 minus r और 2 power r और a power r, और ये हमारे पास है 3 r plus 1 term. तो क्या जाएगा, देखिए आगे t r plus 1 term हमारे पास आ जाएगा combinations from n to r 4 power 9 minus r minus 3 power r a power ये 2 s के साथ multiply करें, so 2 n to 9 minus r divide by 3 power 9 minus r 2 power r a power r. तो क्या जाएगा, हमारे पास आ जाएगा combination from n to 9 to r 4 power 9 minus r minus 3 power r a power 2 को इसके साथ multiply करें तो आ जाएगा 2 9 18 minus 2r, और साथ में ये पावर 2 पर ले जाए तो ये आ जाएगा a पावर माइनस r डिवाइड बाय 3 पावर 9 माइनस r इनटू 2 पावर r. ठीक है, तो क्या जाएगा कॉम्बिनेशन फ्रॉम 9 टू r 4 पावर 9 माइनस r minus 3 power r divided by 3 power 9 minus r 2 power r. वैसे powers को add करें तो आ जाएगा 18 minus 2 r minus r. ठीक है, तो ये आ जाएगा combination from 9 to r 4 power 9 minus r minus 3 power r divided by 3 power 9 minus r 2 power r, और ये आ जाएगा a power 18 minus 3 r, और ये आ जाएगा t r plus 1. से this is equation 3. अब देखिए आगे, अभी हमने यहां से r की वैल्यू फाइंड करना है, हमने नंबर्स को अलग किए और वेरिएबल्स को हमने साइड पे रखा. ठीक है, हमने इसी को सिंपलीफाई किया, नंबर्स को हमने एक साइड पे और वेरिएबल को इसके दूर अलग साइड पे रखा. अब देखिए हमने इसी वेरिएबल को हमने खत्म करना है, इसी वेरिएबल को हमने खत्म करना है. मीन इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल का मतलब यह है कि हमने इसी वेरिएबल को खत्म करना है. मीन हमने r की जगह वैल्यू पुट करना है ताकि हमारे पास आ जाए वेरिएबल का एक्सपोनेंट 0. तो देखिए आगे 18 minus 3r is equal to 0. हमने यहां से 0 डाला है तो ये आ जाएगा 18 is equal to 3r. 3 को डिवाइड करें दोनों साइड से तो ये आ जाएगा r is equal to 6. अब यहां पे r की जगह 6 पुट कर तो ये कांस्टेंट टर्म जो है ये खत्म हो जाएगा. तो देखिए यहां पे, अच्छा देखिए यहां पे r की वैल्यू हमने फाइंड किया, हमारे पास आ गया 6. यहां पे लिख के पुट r is equal to 6, तो क्या जाएगा t 6 plus 1 is equal to combination from 9 to 6
डिवाइड बाय 3 पावर 9 माइनस 6 2 पावर 6। तो देखिए यहां पे कॉम्बिनेशन फ्रॉम 9 टू आर मी 6 यहां पे 6 तो आ जाएगा 9 टू 6 4 पावर 3 माइनस 3 पावर 6 ए पावर 18 माइनस 3 6 18 डिवाइड बाय 3 पावर 3 2 पावर 6। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 7 कॉम्बिनेशन फ्रॉम 9 टू 6 तो ये आ जाएगा 84। 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 64। माइनस 3 को 6 दफा मल्टीप्लाई करिए इवन नंबर से तो ये आ जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज होगा तो ये आ जाएगा 729 और ये आ जाएगा a पावर 0 डिवाइड बाय 3 पावर 3 इज 27 और 2 को 6 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, ये 64 और ये 64 कैंसिल हो जाएगा यहां पे आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइड बाय 27 और ये हमारे पास आ जाएगा a पावर 0 इज 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 61236 डिवाइड बाय 27। अब इसको 27 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 37826 है। अब अगर हम इस तरफ में देखें तो इसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो मीन्स ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गया, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 पार्ट 2 x माइनस 3 डिवाइड बाय x पावर 4 ऑल पावर 10 यहाँ पे जब हमारे पास है x यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास है x तो हमने इसी x को खत्म करना है तो x माइनस 3 डिवाइड बाय x को ऑल पावर 10 इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह x प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय x पावर 4 ऑल पावर 10। तो यहां हमारे पास है हियर a की जगह हमारे पास है x, b की जगह हमारे पास है माइनस 3 डिवाइड बाय x पावर 4 और n की जगह हमारे पास है 10। मीन हमारे पास है माइनस की जगह लिखा प्लस और ये माइनस मैंने लिखा माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स पावर 4 तो ए की जगह हमारे पास है एक्स, बी की जगह हमारे पास है माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स को एन की जगह हमारे पास है 10। नाउ जनरल टर्म फार्मूला, जनरल टर्म फार्मूला हमारे पास है t r plus 1 is equal to combination from n to r a power n minus r b power r put values put कर तो हमारे पास आ जाएगा combination from n n is equal to 10 r a की जगह लिख के x 10 माइनस आर बी की जगह लिख के माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स पावर 4 ऑल पावर आर। तो क्या आ जाएगा 3
combinations from 10 to r x power 10 minus r या फिर माइनस 3 का r एक्सपोनेंट ले r और 1 डिवाइड बाय x पावर 4 इज इक्वल टू होल r. तो क्या आ जाएगा combinations from 10 to r minus 3 power r x power 10 minus r इसको ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा x power minus 4 r. तो क्या जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tr plus 1 means r plus 1 term becomes combinations from 10 to r minus 3 power r x power 10 minus r x power minus 4 r. तो क्या जाएगा tr plus 1 is equal to combinations from 10 to r minus 3 power r x power 10 minus r minus 4 r. वैसे पावर को ऐड करें तो ये आ जाएगा combinations from 10 to r minus 3 power r x power 10 minus 5 r. say this is equation p. अभी हमने यहां से r की वैल्यू फाइंड करना है. देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x अगेन भी हमने इसी वेरिएबल को खत्म करना होगा. मीन हमने यहाँ पे a पावर 0 हमने यहाँ पे x पावर 0 तो r माइनस 10 माइनस 5 r की जगह हमने 0 लाना है. तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 10 is equal to 5 r, 5 will divide करें, so r is equal to 2. अब जैसे को इक्वेशन p में पुट करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा t r plus 1 t r की जगह 2 plus 1 is equal to combination from 10 to r की जगह मैंने लिखा 2 minus 3 power 2 x power 10 minus 5 into 2. तो क्या जाएगा t 3 is equal to combination from 10 to 2 minus 3 to x power 10 minus 2 power 10. तो ये आ जाएगा t 3 is equal to combination from 10 to 2 minus 3 को दो दफा मल्टीप्लाई करें, so minus 3 into minus 3 is equal to 9. यहां से आ जाएगा 9 x power 0. अब combinations calculator पे करें, combinations from 10 to 2 हमारे पास आ जाएगा 45 into 9 x power 0 हमारे पास equal to 1. अब इसी को 9 के साथ multiply करें तो ये आ जाएगा 405 और ये आ गया हमारा आंसर. पार्ट 3 x minus 1 divided by x square whole power 21. इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह x plus 1 divided by x square whole power 21. Here a की जगह हमारे पास है x, b की जगह हमारे पास है minus 1 divided by x square, n की जगह हमारे पास है 21. चूंकि हमारे पास है a plus b whole power n, दरमियान में प्लस है, इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा x माइनस को हमने इसके साथ लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस,
ब्रैकेट माइनस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ए की जगह आते हैं एक्स, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह दिया माइनस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और एन की जगह हमारे पास है 21। नाउ जनरल, नाउ जनरल फार्मूला हमारे पास है कि आर प्लस वन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन टू आर ए पावर एन माइनस आर डी आर। इसी को हम कहते हैं आर प्लस वन टर्म। पुट वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा टी आर प्लस वन कॉम्बिनेशन 21 आ ए, ए की जगह लिख के एक्स 21 माइनस आ बी की जगह लिख के माइनस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आ लिख के। तो क्या जाएगा कन्वर्जेंसी को हमने सिंपलीफाई करना है तो देखिए 21 आ एक्स पावर 21 माइनस आ माइनस वन का अलग एक्सपोनेंट ले डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आ। तो क्या जाएगा कॉम्बिनेशन फ्रॉम 21 टू आ एक्स पावर 21 माइनस आ माइनस वन पावर आ। इसको ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा टू और ये एक्सपोनेंट आ जाएगा माइनस आ। तो क्या जाएगा TR plus 1 is equal to combination from 21 to R X power 21 minus R minus 1 power R और ये आ जाएगा X minus 2 R। ठीक है, अब आ जाएगा combination from 21 to R minus 1 power R। इसी को मैंने कंबाइन किया तो आ गया एक्स पावर माइनस टू आ। बेसेम पावर्स को ऐड करें तो ये आ जाएगा माइनस कॉम्बिनेशन फ्रॉम 21 टू आ माइनस वन पावर आ एक्स पावर 21 माइनस आ माइनस टू आ। तो क्या आ जाएगा कॉम्बिनेशन फ्रॉम 21 टू आ माइनस वन पावर आ एक्स पावर 21 माइनस थ्री आ और यह आ गया टी आर प्लस वन तरंग से रेसिडिक्यूशन पी। अभी हमने यहां से ये एक्स खत्म करना है, मींस हमने एक्स पावर जीरो लाना है, हमने यहां पे एक्स पावर जीरो लाना है। देखिए हमने इसी एक्सपोनेंट को जीरो की इक्वल लेना है, सो 21 minus 3r is equal to 0, so 21 is equal to 3r, 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा r is equal to 7। पुट वैल्यूज अब r in equation p तो ये आ जाएगा t 7 plus 1 is equal to 21 to 7 minus 1 power 7 x power 21 माइनस थ्री इंटू सेवन। तो ये आ जाएगा टी सेवन प्लस वन एस टी एज इक्वल टू कॉम्बिनेशन फ्रॉम 21 इंटू सेवन माइनस वन पावर ऑड नंबर, चूंकि ये ऑड है तो ये आ जाएगा माइनस वन एक्स पावर 21 माइनस 21। अभी ये कैलकुलेटर पे करें कॉम्बिनेशन फ्रॉम 21 टू 7, इससे हमारे पास आ जाएगा 116280 और ये माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा x पावर 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा -116280 और ये आ जाएगा 1, तो -116280 और ये हमारा ये आंसर हमारे पास आया था। इससे तो मेन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो या ये आंसर या ये दोनों हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर आ गए।
मे एक्स नहीं है, ठीक है।